रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल की पत्रकार वार्ता हुई है। आपको बता दें, सीडी कांड से भाजपा का पुराना रिश्ता है, सीडी कांड से भाजपा का चाल चरित्र सामने आया है। इसके साथ ही भाजपा के नेता सीडी बनाते हैं और खुद ही बांटते हैं, ऐसा कहना है उनका। वहीं मंत्री को बचाने के लिए कथाकथित सीडी के मामले में सीबीआई को तत्काल मामला सौंप दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर जुड़ चुके हैं। जी कुलेश्वर, पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल की पत्रकार वार्ता, क्या कुछ जानकारी? जी मैं बताना चाहूंगा, भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सीडी कांड पे कहा कि जिसने सीडी बनाई है, जिसने सीडी बांटी है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करी है। उन्होंने सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को बोला कि रमन सिंह, सीएम हाउस का जांच क्यों नहीं करी है सीबीआई? लगातार जिस तरह से रिंकू खरुंजा का भी नाम आ रहा था सीडी में, जिसको सीबीआई ने पूछताछ से बुलाया, तो रिंकू खरुंजा की मौत ने भी एक बड़ा सवाल खड़े कर दिया है, क्योंकि रिंकू खरुंजा को भी सीबीआई ने सीडी कांड में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़े हो गया है, ये केस सुलझने के बजाय लगातार उलझते ही जा रहा है। वहीं आज भूपेश बघेल ने सीडी करके ये कहा कि मैंने सीडी लहराई थी और मेरे ऊपर उन्होंने एफआईआर कर दिया, लेकिन जिसने सीडी बनाई, सीडी बांटी, उसको अब तक सीबीआई ने क्यों नहीं पकड़ा है? जी, इसी कड़ी में सीबीआई ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा के कैलाश मुरारका को भी सीबीआई ने पूछताछ में बुलाया था, रिंकू खरुंजा जिसने आत्महत्या कर लिया, उसको भी सीबीआई ने बुलाया गया था, और एक निजी चैनल के मालिक है सुरेश गोयल, जिसने सबसे पहले सीडी को नकली बताया था अपने टीवी चैनल के माध्यम से चला के उसमें नकली बताया, उसको भी सुरेश गोयल को भी बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी इसमें लिप्त नजर आ रहे हैं, जिससे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही थी और उनको बुलाकर इनसे पूछताछ की गई थी।